दिल्ली में शासन की कमी से, लापरवाही से तीन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तीन परिवारों के जो चिराग थे वो बुझ गए। शासन की सीधे तौर पर कमी थी, क्योंकि दिल्ली में ये घटना घटी एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में, जिस वक्त पानी घुसा उसे कई वीडियोस भी सामने आए और सात गिरफ्तारियां भी उस मामले में हो चुकी है। लेकिन ये जो हैरानी की बात वो है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एलजी का घेराव कर रहे हैं, एलजी के यहां जाकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तीन लोगों की जान चली गई शासन की लापरवाही से, अधिकारियों की लापरवाही से, यह बात बिल्कुल ठीक है, सब मानते हैं। लेकिन इन मौतों पर भी अब राजनीति होने लगी है, तमाम तरीके के बयान सामने आने लगे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो सीधे तौर पर एलजी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और एलजी ने छात्रों के बीच जाकर उन्हें आश्वासन दिया है कि जितने भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर, और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी लापरवाही को, अपनी कमी को छिपाने की कोशिश कर रही है, और लगातार वो अपनी जो राजनीतिक जो उसकी गोटियां हैं उन्हें भी सेट करने में लगी हुई है, तो इससे क्या लगता है कि उसके लिए जो है राजनीति सबसे ऊपर है, राजनीति सबसे जरूरी है? अभिषेक जी, बड़े अफसोस की बात है और बड़ा आश्चर्य होता है कि तीन माओं की गोद सुनी होगी, तीन बच्चे मर गए। आरोपी कौन है? आम आदमी पार्टी। मर्डर किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। आईएएस पढ़ने वाले छात्र जो केरला से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना से आकर के दिल्ली में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे, और कल और जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है आईएएस की, तो क्या ही पता वो इस देश के बहुत बड़े अफसरों में गिने जाते। सोचिए एक माँ को, क्योंकि मेरा बेटा भी मुझसे दूर रहता है, एक माँ को का दिल कितना मचोड़ता है जब वो अपने बच्चे को शिक्षित होने के लिए, किसी बड़े पद पर बैठाने के लिए, कोई बहुत ऊंची वाली पढ़ाई देने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करके किसी और शहर में भेजती है सिर्फ शिक्षित करवाने के लिए। और ऐसे में एक लापरवाह सरकार, ऐसी सरकार जिसका मुख्यमंत्री जेल का घर जमाई बना, एक ऐसी सरकार जिसकी महिला मंत्री आतिशी दारू के नशे में डूबी रहे, एक ऐसी सरकार दिल्ली की जिसमें राघव चड्ढा जो है वो राजनीति छोड़कर परी के साथ उड़ उड़ करके विदेश यात्राओं में बिजी है, एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री की बीवी पता नहीं क्या करना चाह रही है, और सत्ता के लालच में इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि अब मर्डर करने की इंतहा इनकी आ चुकी है। मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि रिजाइन कब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी से कि अगर मजा दारू की बोतल में ही आता है तो बच्चों के विश्वास के साथ, उनके 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 परिवार के साथ, उनके जज्बात के साथ खेलने की वजह क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी जो डेकेड टू डेकेड अपनी सरकार बनाने के लिए जेल से भी सत्ता चलाने को तैयार है, क्या वो सक्षम है? पानी जब भरा और बच्चे जब उसमें डूब करके मर रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक से मर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें अगर अरविंद केजरीवाल का बेटा होता तो कैसा लगता? मैं पूछना चाहती हूँ कि परिणीति चोपड़ा के पेट में जो बच्चा सांस ले रहा है राघव चड्ढा का, अगर कल को उसके बच्चे के साथ ऐसा होगा तो वो क्या बोलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ संजय सिंह के घर में फला फुसा रहे उनके बच्चे के बारे में जो लैविश लाइफ जी रहे हैं, कि अगर उनके साथ होता, उनके बच्चों के साथ, तो क्या होता? मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका वाड्रा से, कि अगर उसके बेटे और इकलौते बेटे और इकलौती बेटी के साथ ऐसा होता तो वो क्या छाती पीटती? क्या वो इस तरीके की बात करती? क्या वो खामोश रहती? कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है, सब खामोश है। इतनी सिलेक्टिव राजनीति है कि आराम से 1500 किसान ने आत्महत्या कर लिया, राहुल गांधी जी चुप रहेंगे। संदेश खाली में मास बलात्कार होगा, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा चुप रहेंगे। सिलेक्टिव राजनीति करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में, कहेंगे कि मोदी जी सही नहीं है, कहेंगे कि हिंदू हिंसक है और आतंकी है, लेकिन तीन बच्चों की, तीन छात्रों की, तीन माओं के आंख में आंसू पूरी जिंदगी के लिए दे डाला,
और अरविंद केजरीवाल की बीवी अभी भी मगन में आराम से है। आतिशी जो है वो जाम से जाम टकरा रही है। राघव चड्ढा है वो परी के साथ उड़ रहे हैं। संजय सिंह है तो यही कहते चले जा रहे हैं, अरे हम तो ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया यादव जो उत्तर प्रदेश की छात्रा, उत्तर प्रदेश से आई थी यहाँ पढ़ने के लिए, नवीन दालविन जो केरला से है और तानिया सोनी जो तेलंगाना से, मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी माओ को न्याय कौन देगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो जेल के घर जमाई बन करके बैठे हैं वो रिजाइन कब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि राघव चड्ढा रिजाइन कब कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आतिशी कब रिजाइन कर रही है। ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये जो इग्नोरेंस नेचर और बिहेवियर, ये जो असंवैधानिक कल्चर, ये जो इग्नोरेंस का की प्रकाष्ठा को क्रॉस करने का तरीका, ये जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार में बैठ करके कर रही है, ये अब नाकाबिले बर्दाश्त है और अब इसको रिजाइन करवाने के लिए जनता को रोड पर आने की जरूरत आ चुकी है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो कहना है वो सरकार तो जेल से ही चलाएंगे। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होता तो 21 मार्च में जब उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ भेजा गया था तब वो दे चुके होते। मार्च गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी खत्म हो चुका है, अगस्त आने वाला है। तो इस्तीफे की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि इस्तीफा होगा, लेकिन अब जो है कानून अब अपना काम जरूर कर रहा है। 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, लगातार अब कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन नाजिर जी, सवाल ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में अखंड डूबी हुई है। शराब का घोटाला हो, शिक्षा का घोटाला हो, स्कूलों का घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, DTC बस का घोटाला हो, मतलब कोई भी ऐसा विभाग आम आदमी पार्टी का नहीं है जिसमें जांच नहीं चल रही हो भ्रष्टाचार की। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इतना भी जो है ध्यान नहीं रख सकती? नेता इतने बिजी हैं कि वो अधिकारियों से इस बात की सुध ले सके कि आप जो है नाले वाले तो पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पिछले साल जब दिल्ली डूबी थी बारिश में, उस तब ये बातें उठी थी कि दिल्ली का जो सीवर सिस्टम है वो साफ नहीं है, इसीलिए हर बार बारिश में दिल्ली डूब जाती है। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की आंखें नहीं खुली और उसका नतीजा ये हुआ कि देखिए 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए अभिषेक जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने अभी कहा कि बहुत सारे घोटाले हर विभाग में हैं। सही से गूगल से अगर सर्च किया जाए और डेटा आम आदमी पार्टी के नेताओं का निकाला जाए तो आम आदमी पार्टी में सिर्फ घोटालेबाज नहीं रहते हैं, बल्कि बलात्कारी भी बहुत भरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम भरे पड़े हुए हैं। और अभी हालिया में उनकी ही महिला राज्यसभा नेत्री ने कितने अभद्र आरोप लगाए, शर्म नाम की चीज। अब आती है बात कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही जलील किस्म के इंसान है। क्या दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के कलेजे पर दाल मूंग करके अपनी सरकार बनाई, अपनी सत्ता बनाई? अन्ना हजारे ने उनके अरेस्ट होने पर, अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट होने पर क्या कहा कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। क्या ये बात दिल्ली की जनता भूल सकती है कि अरविंद केजरीवाल जब ऑटो में घूमते थे तो कहते थे कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं जनता का व्यक्ति हूँ, और उसके बाद 26 जनवरी के समारोह में जाने के लिए उनको VIP और उनको सिक्योरिटी चाहिए होता था? क्या दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है ऑपरेशन शीश में है? क्या दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने स्पीच के माध्यम से ही कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हमने दवा और दारू दोनों का इंतजाम कर चुका है? क्या दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो अंदर में जाकर के अश्लीलता किया करते थे और मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई चीज ही नहीं चलती थी? क्या दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है कि अमानतुल्ला घुसपैठियों को घुसाने का काम करता था भारत के अंदर और उन घुसपैठियों को फाइनेंशियली जिहादी एक्टिविटीज करने के लिए उनको समर्थन भी करता था और उनको उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता था? क्या दिल्ली की जनता ये भूल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख करके कसम खाया था कि वो VIP कल्चर में नहीं जाएगा, वो जनता के लिए काम करेगा, पर ऑपरेशन शीश महल ने सारी चीजों का पर्दाफाश कर दिया? देखिए बात तो सही है कि हाथ कंगन को RC किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आज अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके जितने भी लल्लू पंचू नेता थे वो सबके सब जेल की सलाखों के भीतर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के जैसे आधे दर्जन नेता जेल की सलाखों में, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के आधे दर्जन नेता जेल की सलाखों में। जनता ने उनको नेता बनाया था और मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये जो तीन बच्चों की हत्या अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की जनता उनके घर निवास में जाएगी, उनके शीश महल में जाएगी और उनकी बीवी से कहेगी कि अपने पति से तुम रेजिग्नेशन साइन करा करके लेकर आओ। वो तो अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं तो वहां उसका खाका तैयार कर रही हैं, गारंटी वारंटियां दे रही हैं कि 5 गारंटियां हरियाणा में कौन सी होंगी। तो जिस तरीके से दिल्ली में जो कुछ हुआ वो वाकई में हृदय विदारक था और इसकी सिर्फ वजह लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही, सरकार की लापरवाही। सरकार को नहीं पता कि जिस प्रदेश पर वो शासन कर रही है, जो उसके अंडर चीजें आती हैं, वो आखिरकार कैसे चल रही थी। और नतीजा है कि 3 बच्चों की मौत हो गई, राहुल गांधी भी चुप हैं, पूरा विपक्ष मतलब जितना भी इंडिया गठबंधन है वो पूरा चुप है, क्योंकि घटना दिल्ली में हुई है। और आम आदमी पार्टी इतनी बेशरम है कि वो लगातार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि जो अधिकारी हैं एमसीडी के या जो भी अधिकारी हैं उन्हें गृह मंत्रालय से नियुक्त किया जाता है, एलजी इसके लिए जिम्मेदार हैं। खैर, आम आदमी पार्टी की यही तो राजनीति है, जो काम सही हो जाता है तो आम आदमी पार्टी उसका श्रेय लेने के लिए छाती पीटती है और जो काम गलत होता है उसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं या फिर एलजी जिम्मेदार हैं। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी बीजेपी ही आम आदमी की पार्टी की तरफ से जिम्मेदार हो जाती है। तो नाजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बाकी ये चर्चा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।